अच्छा आप लोग आ चुके हैं। ओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस नए चैनल पे। अरे भैया नए नहीं पुराने ही हैं, कुछ दिन बाद आए हैं तो क्या हुआ। आज हम बात करने वाले हैं ओला S1 Air के ऊपर। जी हाँ, जुलाई जुलाई जुलाई, ना जाने कितने ऐसे वीडियोस बन चुके हैं ओला S1 के ऊपर, लेकिन अभी भी ओला दिखने को राजी नहीं है। जी हाँ, टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और बहुत सारी फैक्ट्स है, बहुत सारी नाराजगी भी है, और रेट को लेके, डिले को लेके बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बीच हुई। और मेरे से भी आप नाराज होंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो पे आ रहा हूँ। इसका एक छोटा सा रीजन है कि मैंने S1 Pro परचेस किया था और लगभग 1 महीना से प्लस हो गया उसको, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा छेड़खानी भी की है। कौन कौन सी चीजें हैं उसमें, कुछ नए इन्वेंशन भी मैंने किए हैं। ठीक है, एक बाबू को बैठने के लिए सीट का भी मैंने जुगाड़ किया है, वो आप रिमूवेबल है, आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट वीडियो ये बन चुका है, एडिट भी हो चुका है, बहुत जल्दी ये अपलोड भी कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, और कहानी है वो मेरे एक्सपीरियंस का, ईवी का जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। बात यह है कि गया से बोध गया का डिस्टेंस लगभग 15-16 किलोमीटर का है। ठीक है, और ये डिस्टेंस मैंने लगभग 10 से 12 बाइक के साथ मैंने किया। क्या पहला चीज तो ये सीन था कि मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था कि मैं बाइक से लिफ्ट लेके ऐसे करके ट्रैवल करूं, लेकिन सीन ऐसा था कि सारे गाड़ी हड़ताल पे थे। ठीक है, हड़ताल होने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं लिफ्ट लेना पड़ा, और लिफ्ट भी लेना पड़ा तो डायरेक्ट नहीं मिला, बल्कि हर 1.5-2 किलोमीटर पे मुझे चेंज करना पड़ा। अब ये कहानी से एक चीज तो मुझे सीखने को मिला कि इसके बीच में मुझे 3 से 4 ईवी पे बैठने का एक्सपीरियंस बना। मार्केट में बहुत सारी ईवी हैं, और ओला तो मैं खुद भी चला रहा हूँ, बहुत सारे लोग चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओला के अलावा, ओला एथर जो अच्छी कंपनियां हैं उसको छोड़ के, जो कंपनियां जिस गाड़ी में हब मोटर लगा होता है, हब मोटर की अगर हम बात करें, वो मोटर व्हील के साथ लगा होता है। जी हाँ, कुछ मोटर में बेल्ट के साथ होता है, जिससे ये व्हील और बेल्ट को मतलब मोटर और व्हील के साथ बेल्ट का कनेक्शन होता है। ठीक है, और कुछ गाड़ियों में जो होता है वो इनबिल्ट आपके पहिए में ही लगा होता है मोटर, उससे डायरेक्ट आपका पहिया घूमने का काम करता है। उन गाड़ियों का एक्सपीरियंस अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा सा ना इस गाड़ी को एक्सपीरियंस जरूर कर लें। चला कर ही नहीं, चलाने से एक्सपीरियंस तो होगा ही, लेकिन चलाने के साथ साथ आप पीछे बैठ के एक्सपीरियंस करें, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूं कि जब भी गाड़ी 20-25 के स्पीड में चल रही होती है तब तो ठीक है, 20-25 के स्पीड में अगर चल रही है गाड़ी, जिस उस मोटर की बात कर रहे हैं जिसमें जिस व्हील में लगा होता है मोटर, ठीक है, बेल्ट वाले मोटर पे हम बात नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म भी हम बात कर लेंगे, टेक्निकल से ज्यादा अच्छा है इजी वे में समझें कि जिसमें जिस मोटर का कनेक्शन डायरेक्ट व्हील के साथ है, जो चक्का पिछला चक्का है उसके साथ कनेक्शन है, वो वाले मोटर में आप देखेंगे कि झटका बहुत ज्यादा महसूस होता है। अगर 20-25 में गाड़ी चल पड़ी तो ठीक है, चल रही है तो ठीक है, मोशन में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप जाम में फंसते हैं या फिर आप अपनी स्पीड को धीरे करते हैं, स्पीड तेज करते हैं, कम और ज्यादा अगर स्पीड होती है, उस समय आपको बहुत ज्यादा झटका मिलेगा। क्या वो झटका हमारे एयर में भी मिलेगा? क्या एयर एयर की अगर हम बात करें, ओला एयर की, तो इसमें बहुत सारे चीजों के सुधार किया गया है। ठीक है, मार्केट में जो चाइनीज कंपनियों का जो प्रोडक्ट है उन सबसे बेहतर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेज आपको करना पड़ सकता है। जब गाड़ी आएगी तब हम इस पे टेस्ट भी करेंगे, आप भी इसको लेने से पहले आप चला के तो देखें, वो मानते हैं आप टेस्ट ड्राइव जरूर करें, लेकिन टेस्ट ड्राइव के साथ साथ ना आप पीछे बैठ के भी देखें, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय तो आप बहुत कंफर्टेबल फील कर लेते हो, स्पीड में चल रहे गाड़ी स्पीड चलाना, और वो सिर्फ कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट ये है कि आप उसको धीमी रफ्तार में कैसा आप कंफर्ट दे पा रहे हो, आपके साथ जो आपके मम्मी पापा या आपका भाई बहन बैठा है वो कंफर्ट फील कर पा रहा है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को देखते हुए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो अदर्स ईवी का, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा मुझे बहुत ही गंदा लगा, जिसमें ये चैन बेल्ट के साथ होता है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसमें डायरेक्ट लगा है व्हील में मोटर, उसका झटका जो है आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो लेने के बाद पछताने से अच्छा है कि आप पहले उसको एक्सपीरियंस करें और आफ्टर दैट आप उसको परचेस करें। आपने अगर बुक भी करा रखा है तो ओला S1 Pro को आने दें, सॉरी एयर को आने दें, और एयर में अगर आपको झटका फील होता है तो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से आपका एक बेस्ट सजेशन होगा कि आप प्रो पे शिफ्ट करें। थोड़ा देखिए, गाड़ी जो होता है ना हमारा, वो 2-4-5 दिन का साथ ही नहीं होता है, 2-4-5 महीने का साथ ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसका जो लाइफ होता है वो कम से कम तो 10 साल,
अगर आप एक गाड़ी को 10 साल यूज कर लेते हैं तभी आप समझेंगे कि आप उसका एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो पैसा वसूल जिसको कहते हैं, वो आपने कर लिया। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के ऊपर कि क्या हमें एयर के अंदर देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो एयर के अंदर हमें कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो देखना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा होगा, तो यहां से हम कलर जो सिलेक्ट करेंगे वो ये कलर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम करते हैं बुक, और ये है हमारा एयर। एयर के अंदर मिडनाइट ब्लू, जी हाँ यहाँ पे भी आ चुका है मिडनाइट ब्लू। ठीक है, पहले ये कलर थोड़ा ऑप्शन कम था मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी आपको ये मिडनाइट ब्लू आपको देखने को मिल रहा है जो कि अच्छा है। देखिए, इसी हम हब मोटर की बात कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो इसी मोटर की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्हील के सहारे यहाँ पे एक मोटर लगा है। ठीक है, और एक जो मोटर लगा होता है वो ऐसे ऐसे लगा होता है, मतलब ये वाला जो मोटर है ये आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट फील देगा, और ये जो मोटर है ये कहीं ना कहीं आपको क्या, तो आपको झटका देगा, है ना, ये आपको झटका देने वाला है। अब ये ओला S1 एयर कितना झटका को कंट्रोल कर पाता है, इसके मोटर की क्या हम बात करें, कैसा होगा, ये तो आने के बाद दिखेगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा सजेशन ये होगा, जो लोग इसको बुक करा रखे हैं और जो लोग लेना ही चाहते हैं कि भैया हम तो एयर ही लेंगे, एक बार आप टेस्ट ड्राइव के साथ, आगे से टेस्ट ड्राइव तो कीजिएगा ही कीजिएगा, पीछे बैठ के भी उसके एक्सपीरियंस को जरूर फील कीजिएगा। क्योंकि जब आप ले लेते हो ना, तो एक हैवी अमाउंट आप जब कंपनी को पे कर देते हो, उसके बाद आप किसी को भी कुछ बोलोगे तो आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं नई चीजें हैं, नया इसके अंदर एक्सपीरियंस होगा, और नए एक्सपीरियंस के साथ आपको कोई झटका ना लगे, इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वैसे आने वाले दिन में बहुत जल्द आपके सामने ओला S1 प्रो के साथ मैंने क्या क्या छेड़खानी की है ये भी आपको दिख जाएगा। तो फाइनली जो है हमारा ओला S1 एयर जो है इस जुलाई, वैसे तो ऑफिशियल है कि जुलाई के अंदर आ जाएगा, और आ ही जाएगा, ये डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर जुलाई के अंदर देखते हैं तो 15 जुलाई के बाद आपको ये चीज दिखने को मिल जाएगा। एक और सूचना है कि 15 अगस्त को जो ओला का इवेंट होता है उसमें इस बार मे बी पॉसिबल ये है कि कहीं ना कहीं ओला इलेक्ट्रिक बाइक को भी प्रेजेंट किया जाए और लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो पे काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे, और आप लोगों का प्यार जो है वो बरसते रहता है, तो वही प्यार थोड़ा सा इस पर भी बरसा दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।